وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين। और मदियन की तरफ उनके मुशफिक हम कबीला शुएब को भेजा। उन्होंने फरमाया, ऐ मेरे मुखातब लोगों, इबादत करो अल्लाह की, तुम्हारे लिए उसके सिवा कोई माबूद नहीं, बेशक तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारे पास चमकती हुई दलील आ गई, तो नाप और तोल को पूरा करो और लोगों को उनकी चीज़ें घटा कर न दो और ज़मीन की इसलाह के बाद उसमें फसाद न करो, ये तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम यकीन करने वाले हो। ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين। और हर रास्ता पर इसलिए ना बैठा करो कि अल्लाह पर ईमान लाने वालों को खौफ ज़दा करो और उन्हें अल्लाह की राह से रोको और उसमें कजी तलाश करो, और याद करो जब तुम थोड़े थे तो अल्लाह ने तुम्हें ज़्यादा कर दिया, और देखो फसाद करने वालों का कैसा अंजाम हुआ। وَإِن كَانَ طَائِفَةٌ مِّنكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ। اور اللہ کے رسول شعیب نے فرمایا کہ اگر تم میں سے ایک گروہ اس پر ایمان لایا جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں और एक गिरोह ईमान नहीं लाया, तो सब्र करो यहाँ तक कि अल्लाह हमारे दरमियान फैसला कर दे, और वो सबसे बेहतर फैसला करने वाला है।